हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन, लर्न टेक टू टेक चैनल से। यार ये मेरा एमसी एंट्रांस के कंप्यूटर अवेयरनेस सेक्शन का नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें आज हम लोग के मैप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं एक बुलियन फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और इसे हमें मिनिमाइज करना है के मैप के थ्रू। ठीक है, तो के मैप के थ्रू आप कैसे इसको मिनिमाइज करेंगे। हालांकि यहां पर क्वेश्चंस आपके दो तरीके से आ सकते हैं, एक तो इस तरह से आपका बुलियन फंक्शन डायरेक्टली वेरिएबल्स में दिया होगा, या फिर कभी कभी ऐसे जो है समेशन में भी दिया रहता है, 0, 2, 4 इस तरीके से भी क्वेश्चंस दिए होते हैं। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में करेंगे इसके बाद। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये मैं यहाँ पर हटा देता हूं। तो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले ए बी डी। तो यहां पर देखिए ए बी कहां पर है, यहां पर है, और डी कहां पर है, यहां भी डी है, यहां पर भी डी है, तो इन दोनों जगह आपका एंट्री होगा। तो सबसे पहले तो हमें इस तरह के एंट्री करने पड़ेंगे। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जिसमें चार वेरिएबल्स हैं वहां तो एक ही एंट्री होगा, क्योंकि फोर वेरिएबल्स का जो है आपका फंक्शन है, पर जहां पर तीन वेरिएबल्स हैं वहां पर दो एंट्री होंगे, और जहां पर दो वेरिएबल्स हैं वहां पर आपके चार एंट्री होंगे, ये ध्यान दीजिएगा। तो ए बी डी, तो ए बी हमने यहां पर लिया, तो आप देख रहे हैं डी यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो आपको दोनों जगह एंट्री करना है। ठीक है, ए डेस सी डेस डी डेस, तो यहां पर ए डेस है यहां पर, और ए डेस आपका यहां पर भी है, ठीक है, और सी डेस डी डेस, और नेक्स्ट क्या है, सी डेस डी डेस, तो सी डेस डी डेस कहां है, यहां है, तो यहां पर देखिए ए डेस सी डेस डी डेस, ए डेस सी डेस डी डेस, तो दोनों जगह आपका एंट्री हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है ए डेस बी, तो यहां पर देखिए ए डेस बी है। अब ए डेस बी में आगे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये चारों जगह एंट्री होंगे, तो एक जगह तो ऑलरेडी है, तो बाकी तीन जगह भी हो जाएंगे। उसके बाद है ए डेस सी डी डेस, तो सी डी डेस देखिए ये है, और इधर क्या है ए डेस, तो ए डेस ये दोनों है और सी डी डेस ये है, तो यहां वन हो जाएगा, यहां वन हो जाएगा, पर वन ऑलरेडी है। उसके बाद ए बी डेस डी डेस, तो ए बी डेस कहां पर है देखिए, तो ये देखिए ए बी डेस है, और डी डेस कहां पर है, डी डेस यहां है और यहां है, तो ये दोनों जगह आपका वन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने सारा एंट्री कर लिया। अब आपको इसको क्या करना है, ग्रुपिंग करना है। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं आठ का ग्रुप तो पॉसिबल नहीं है, अगर आप देखेंगे तो आठ का ग्रुप कहीं पर भी नहीं बन रहा है। ठीक है, पर यहां पर अगर आप देखें तो ये चार का ग्रुप बन रहा है, तो ये चार का हम बना लेते हैं, तो आठ का नहीं बन रहा था, इसलिए नेक्स्ट जो है उससे नीचे क्या है, चार का ग्रुप बनेगा, चार हमने बना लिया। अब और एक बार देखेंगे कि चार का और कोई ग्रुप बन सकता है, ठीक है, तो बिल्कुल बन सकता है, ये जो चारों कोना में है इनका एक ग्रुप बन जाएगा चार का। अब आपका दो एक बच गया, अब उसके बाद ये दो आपका वन रह गया। अब इस दो वन को कैसे आप ग्रुप करेंगे, तो अगेन आपको देखना है कि क्या चार का कहीं ग्रुप बन रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि ये पूरा लाइन चार का बन रहा है, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, ये और ये भी बन रहा है। ठीक है, तो चार का ये दो को ले लीजिए, ये दो को ले लीजिए, तो भी चार बन रहा है, और ये पूरा लाइन ले ले तो भी आपका चार बन रहा है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, अभी फिलहाल तो हम पूरा लाइन को ले लेते हैं। ठीक है, तो ये चार का ग्रुप बन गया, तो आप देख रहे हैं ये भी चार का बना, ये भी चार का बना, और ये भी चार का बना। हालांकि यहां पर कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, इसको दो का ग्रुप बना देते हैं, और यहीं पर आपका मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं क्या आएगा हमारा आंसर एफ। ये पूरा लाइन को देखेंगे तो क्या है, एडेस बी, क्योंकि इनमें कोई कॉमन नहीं होगा। अगर ये पूरा लाइन को देखे, ये वाला जो चार का आपने ग्रुप बनाया है इसमें देखे, तो ए डेस बी कॉमन है, और ये चारों में कुछ कॉमन नहीं बैठेगा, सब अलग अलग। ठीक है, क्योंकि चारों में कॉमन होना चाहिए तभी लिखाएगा प्लस। अब ये चार का आप जो ग्रुप बनाए इसको देखिए, तो ये दो लाइन में क्या कॉमन है, बी कॉमन है, और ये चारों के लिए दो कॉलम भी यूज हो रहा है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, डी कॉमन है, तो बी डी हो गया। अब ये जो चारों कोना में है इनमें क्या कॉमन है, ये दो रो में देखे तो क्या कॉमन है, बी डेस, और ये वाला इसमें क्या कॉमन है, क्योंकि ये चारों हो रहा है तो ये लाइन और ये लाइन आ रहा है, सी डेस डी डेस आ रहा है, सी डी डेस, तो यहां पर क्या कॉमन है, डी डेस, तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी डेस, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसका एक आंसर और आएगा, तो यहां पर बी डी प्लस
बी डैश डी डैश ये दोनों तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये जो चार का ग्रुप बना है और ये जो कोने वाला ग्रुप बना है इनका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, केवल ये वाला जो आपने ये जो दो वन का आपने चार लाइन का ग्रुप बना दिया, इसको दूसरा एक ग्रुपिंग और बना सकते थे इन दोनों को लेके और इन दोनों को लेके, ये भी पॉसिबिलिटी थी क्योंकि ये भी चार का ही ग्रुप बन रहा है। ठीक है, तो इनमें क्या कॉमन होता, इन दोनों में ए डैश कॉमन है और ये दो लाइन में क्या कॉमन है, डी डैश कॉमन है, ए डैश और इन दोनों में क्या कॉमन है, डी डैश, तो ये दोनों ही आपका आंसर होगा। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में अगर सपोज डेट आपने ऐसे सॉल्व किया पर ऑप्शन में जो आंसर है वो ये है, तो फिर आप ऐसे ना समझे कि हमने गलत बनाया। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है आपके पास दो अलग अलग चॉइस हो, जैसे यहां पर भी चार का ग्रुप बन रहा है और इससे भी चार का ग्रुप बन रहा है, तो दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। तो चलिए अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखेंगे कि उसको हम केमैप से कैसे सॉल्व करेंगे। केमैप में दोस्तों इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं जहां पर आपका जो बुलियन फंक्शन है वो वेरिएबल्स में नहीं देखे, इस तरह से न्यूमेरिकल में दे, तो ये थोड़ा और आसान हो जाता है, इसमें आपको एंट्री करना आसान हो जाता है। पर उस केस में आपको नंबरिंग मालूम होना चाहिए कि ये जो सेल्स होते हैं इनका नंबरिंग कैसे होता है, तो कैसे होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पहले यहां लिखते हैं, फिर यहां, फिर लास्ट में, फिर सेकंड लास्ट में, उसी तरह यहां पर पहला लाइन, दूसरा लाइन, फिर लास्ट लाइन, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये अगर पता नहीं है तो फिर आपको इस तरह के क्वेश्चन में दिक्कत आ जाएगा। ठीक है, तो 2 है तो 2, 3, 12, 13, 14 and 15, तो 12, 13, 14, 15 और यहां पर 2, 3 में। ठीक है, तो चलिए इसको हम ग्रुपिंग करते हैं, तो बड़ा ही सिंपल है, ये चार का ग्रुप बनेगा, आठ का तो कहीं बन ही नहीं रहा है तो चार का ही ऑब्वियसली बनेगा। और दूसरा क्या, क्या ये जो दो हैं इनको किसी के साथ मिक्स करके चार का बना सकते हैं, नहीं बना सकते, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। यहां पर वन होता तब हम इसको जो है मिक्स करके चार का ग्रुप बना सकते थे, या फिर इधर होता, पर ऐसा कहीं पर भी नहीं है, तो ये दो वन का जो है आपका ग्रुप बन जाएगा। तो चलिए अब हम इक्वेशन लिखते हैं, तो एफ क्या हो जाएगा, ये चारों का ग्रुप है तो डब्ल्यू एक्स, बड़ा ही सिंपल है। जब ये चारों का ग्रुप बन जाता है तो सीधा सीधी इसको आप लिख दीजिए, इधर का पूरा चारों का ग्रुप बन जाता है तो इसको लिख दीजिए, और ये दो का बना है तो दोनों में क्या कॉमन है, डब्ल्यू डैश एक्स डैश तो कॉमन होगा ही होगा क्योंकि ये इसी लाइन में है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, वाई कॉमन है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू डैश एक्स डैश वाई। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे के जो वीडियो होगा उसमें हम के मैप विथ डोंट केयर कंडीशन, एक डोंट केयर कंडीशन के साथ भी क्वेश्चन आते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले, बगल में जो बेल उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।